वित्तीय संकट में घिरी एयरलाइंस गो फर्स्ट की दिवालिया प्रक्रिया की अर्जी को एनसीएलटी ने मंजूर कर लिया है। इस फैसले के बाद कंपनी के मैनेजमेंट और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को सस्पेंड कर दिया गया है। वहीं एयरलाइंस की भी सभी उड़ानों को 19 मई तक के लिए रद्द कर दिया गया है। 6,521 करोड़ रुपए की देनदारियां देने में नाकाम गो फर्स्ट के 7,000 कर्मचारियों को निकालने पर भी एनसीएलटी ने रोक लगा दी है। अंतरिम कामकाज के लिए मैनेजमेंट को 5 करोड़ रुपए जमा कराने का निर्देश दिया गया है। लेकिन अब दिवालिया प्रक्रिया में जाने के बाद इस पर फोकस करना जरूरी है कि गो फर्स्ट जेट एयरवेज ना बन पाए। इसके लिए जानकार सुझाव दे रहे हैं कि एस्क्रो अकाउंट बनाकर बैंक की मदद से एयरलाइन को चालू रखा जाए। इससे बेचने की नौबत आने पर भी बंद एयरलाइन के मुकाबले ज्यादा दाम मिल सकते हैं। इस बीच सबसे ज्यादा संकट में गो फर्स्ट एयरलाइन में एडवांस टिकट बुक करा चुके यात्री हैं। डीजीसीए ने यात्रियों का पैसा जल्द से जल्द वापस करने का आदेश दिया है, लेकिन इस पर गो फर्स्ट ने खास कदम नहीं उठाए। ज्यादातर यात्री अभी भी रिफंड का इंतजार कर रहे हैं। गो फर्स्ट के दिवालिया प्रक्रिया में जाने से ट्रेवल एजेंट्स भी मुश्किल में फंस गए हैं। ट्रेवल एजेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी TAAI के मुताबिक एडवांस और रिफंड के तौर पर गो फर्स्ट में उनके मेंबर्स के करीब 900 करोड़ रुपए फंस गए। ऐसे में संकट से उभरने के लिए ट्रेवल एजेंट्स ने नगर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से मुलाकात करके एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें फंसी रकम की जानकारी दी गई है और पैसा वापस दिलाने में मदद करने की अपील की गई है। ट्रेवल एजेंट्स बजट एयरलाइंस में एडवांस रकम देकर टिकट बुक करा लेते हैं। इसके बाद कम किराए वाली एयरलाइन ट्रेवल एजेंट्स के लिए क्रेडिट शेल बनाती है और सभी टिकट उसी में मौजूद रकम से जारी किए जाते हैं। ये पूरा क्रेडिट शेल एयरलाइंस के पास ही रहता है। इस वक्त इतनी बड़ी रकम के फंसे होने की वजह से ही देश का टूरिज्म सेक्टर ऊंची छलांग लगा रहा है। गर्मी की छुट्टियों के चलते एयर ट्रैफिक में तेजी आ जाती है। डिमांड बढ़ने से टिकट महंगे हो जाते हैं और ट्रेवल एजेंट्स इस मांग का फायदा उठाने के लिए एडवांस में टिकट बुक करा लेते हैं। इन छुट्टियों की तैयारियों के मद्देनजर गो फर्स्ट की फ्लाइट्स में TAAI के सदस्यों ने 93% तक सीटें बुक की हुई थी। ऐसे में कोरोना के संकट से उभरते टूरिज्म सेक्टर की रिकवरी की रफ्तार धीमी हो सकती है। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।